बिल्कुल, 2014 के बाद पहली बार इस हालात का सामना करना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को। बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला और अब सरकार एनडीए की बनेगी। ये तय है कि बीजेपी के उन मुद्दों, उन मसलों पर ब्रेक लगना तय है जिन पर आम सहमति नहीं है। कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं, ये जरा आपको इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए समझाते हैं। वो मुद्दे अब जिनकी रफ्तार धीमी पड़ सकती है, जिसे लेकर बीजेपी बहुत मुखर थी। एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, क्योंकि इसके विरोध में है टीडीपी और अब विपक्ष भी मजबूत नजर आ रहा है। तो क्या यह मुद्दा खटाई में पड़ेगा? बिल्कुल। और इसके अलावा यूसीसी की बात की जाए, यूनिफॉर्म सिविल कोड, बीजेपी की प्राथमिकता से हट सकता है ये। हालांकि माना जा रहा था कि चुनाव के बाद बीजेपी बहुत तेजी के साथ इस तरफ आगे बढ़ेगी, लेकिन अब इस पर ब्रेक लग सकता है समीर। बिल्कुल। और परिसीमन के बाद 2029 तक महिला आरक्षण की बात की गई। दक्षिण में असर के आसार से टीडीपी इसके विरोध में है और अब टीडीपी सरकार का हिस्सा होगी, सरकार के अंदर रहकर विरोध करती नजर आएगी। तो ये मुद्दा आगे बढ़ता हुआ कैसे नजर आएगा, इस पर अमली जामा कैसे पहनाया जाए। इसके अलावा काशी और मथुरा का जिक्र करना बहुत जरूरी है। राम मंदिर का फायदा ना मिलने पर प्रक्रिया धीमी पड़ सकती है, ये जो असर है वो काशी और मथुरा को लेकर पड़ता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल। और अगला मुद्दा डिस इन्वेस्टमेंट से जुड़ा, विनिवेश। जेडीयू विरोध में है, कदम पीछे हटाने पड़ सकते हैं और अब जेडीयू एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बनता नजर आ रहा है सरकार का। और देखिए, बहुत लंबे वक्त से बिहार को लेकर मांग है जेडीयू की विशेष राज्य का दर्जा। नीतीश कुमार की लंबे वक्त से मांग है और अब चाहेंगे नीतीश कुमार इस मांग को पूरा करवाया जाए। बिल्कुल। और मुस्लिम आरक्षण, जिस पर इस बार के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान जमकर बात हुई, बीजेपी ने जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया। आंध्रा में मुस्लिमों को 4% आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी टीडीपी को मतभेद सुलझाने होंगे। जयराम विप्लव साहब, जमकर चुनाव प्रचार के दौरान इसका जिक्र किया गया कि मुस्लिम आरक्षण नहीं लागू होने देंगे, लेकिन आप तो टीडीपी को साथ ले आए और वैसे भी एनडीए का वो हिस्सा थी जब आप चुनाव प्रचार में ये बातें कह रहे थे, जो कि 4% मुस्लिम आरक्षण की बात आंध्र प्रदेश में करती हैं। को खबरें निकालना, उसका विश्लेषण करना आपका काम है और सरकार कैसे चलानी है इसके लिए कल बैठक हुई थी, कैसे सरकार बनानी है इसके लिए बैठक हुई थी, क्या क्या मुद्दे रहेंगे उस पर सबने बात की है। तो वहां पर जिनको ये काम करना है वो अपना काम कर रहे हैं, मैं उनके ऊपर ये सारी चीजें छोड़ता नहीं। तो इन तमाम मुद्दों पर पीछे हटने के लिए तैयार हो गए ना फिर आप? अरे भाई, जिनको ये निर्णय लेना है वो बताएंगे ना, मुझे अच्छा। निर्णय नहीं लेना है समीर भाई, आप इन सब चीजों में मत पड़िए। अच्छा। मोदी जी ने तो हमेशा देश को चौंकाया है, पत्रकारों को तो बहुत सारी चीजों के ऊपर। हमारा तो काम है सवाल पूछना, आपका काम है जवाब देना। भाई मेरी बात सुन लीजिए समीर जी, मुझे 10-20 सेकंड दीजिए। जी, सबसे महत्वपूर्ण है, दो झूठे बातों का मैं प्रतिकार करना चाहता हूँ जो यहाँ कहा गया। डेमोक्रेसी, संविधान, आरक्षण की बात की गई। आज तमिलनाडु में अन्नामलाई जी की हार का जश्न, एक बकरे के गले में उनकी तस्वीर डालकर उसके सर को कलम करके मनाया गया। और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, ये डेमोक्रेसी का संदेश। चलिए ठीक है, इस पर कांग्रेस से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। ईशान राजीव, सवाल आपसे। देखिए, जो दो बड़ी खबरें निकल कर आ रही है, एक तो मंत्रालय को लेकर खींचतान मची हुई है एनडीए के भीतर, और दूसरी बड़ी बात जो वैचारिक मतभेद का जिक्र किया जा रहा है, क्या इसी पर आप लोगों की उम्मीदें टिकी कि भविष्य में कुछ हो सकता है, आप लोग क्या आसार बन सकते हैं? करुणा जी, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ही स्वयं कहते थे कि मिलीजुली सरकारें चल रही हैं। देश में पिछले 10 साल में एक नैरेटिव बनाया गया कि मिलीजुली सरकारें ठीक नहीं होती देश के लिए। देश में एक नैरेटिव बनाया गया कि जब आपके कोई भी अन्य दल जाके मंत्रालय मांगते हैं तो वो इसलिए मंत्रालय मांगते हैं कि कमाई हो सके वहां से। और जैसा कि अभी आपने खुद ही दिखाया कि बिहार से जेडीयू ने शायद रेल मंत्रालय मांग लिया है और एलजेपी ने भी रेल मंत्रालय मांग लिया है। इसी तरह से कल से कई खबरें चल रही हैं कि टीडीपी ने कहीं गृह मंत्रालय मांग लिया है, कभी स्पीकर का पद मांग लिया है। तो क्या अब ये भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करे? देखिए, अभी आप सवालों से नहीं भाग सकते, अब
जयराम मतलब जब सवालों से नहीं भाग सकते, प्रधानमंत्री जी की परिपाटी है सवालों से भागना। तो मैं ठीक है, वक्त हमारे पास इतना ही था, वरना मैं कपीश जी आपके पास जरूर आना चाह रहा था। माफी के साथ हमें इस चर्चा को यहीं पर खत्म करना पड़ रहा है।